दादरा नगर हवेली ना गलुंडा बारात पाड़ा मा जमीन मालिकोनी परवानगी वगर हाई टेंशन लाइन ना टावर उभा करी देवाता जमीन मालिको द्वारा कलेक्टर ने लेखित में अरजी करी जवाबदार सामे कायदेसरनी कार्यवाही करवानी मांगनी करी छे। बलुंडा बारात पाड़ा ना रहेवासीओ ने सिलवास कलेक्टर ने आवेदन पत्र आप्यो हतो के तेमनी जमीन मा वापी टू नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन द्वारा तेमनी कोई पण जातनी मंजूरी विना खेतीनी जमीन उपर हाई टेंशन लाइन नाखवामां आवी छे। आ कामगीरी करता पहेला जमीन मालिकोनी कोई परवानगी के कोई वर्धर चुकवामां आव्युं नथी अने खेतीनी जमीन उपर 20 टावर उभा करी देवा माटे वृक्षो पण कापी नाखवामां आव्या छे। आ अंगे खेतीनी जमीनना मालिको ज्यारे कंपनीना अधिकारीओने रजूआत करी हती ते वखते तेओए धमकी आपी हती। जमीन मालिको द्वारा करवामां आवेली रजूआतने सेलवास कलेक्टर भानु प्रभाए सांभळी न्याय आपवामां आवशे तेવું આશ્વાસન આપ્યું હતું। ગલોંડા બારાતપાડા છે, મેં બોલ રહા હું। અમારા ઉધર જો યે ખંભા ખડા કર દિયા ઓર પૈસા ભી નહીં દિયા, પેડ બેર સબ કાટ દિયા હે ઓર વો લોગ આકે ધમકાતા હે, પૈસા ભી નહીં દિયા। કિસકે પાસ જાના કા, ઓર કિસકે પાસ જાના કા, ઉસકો પાસ જાઓ એસા બોલ રહા હે। गुजरात में पैसा मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। अभी ये खंभा मुंबा खड़ा कर दिया, ऐसा ऐसा ही पैसा वैसा कुछ दिया नहीं है। कलेक्टर मैडम के पास हम ये मामला लेके आए हैं। जो गलोंडा बारातपाड़ा विस्तार में जो आदिवासी की जमीन में जो अनलगी हुई वो टावर पावर लेके जाता है, इसमें जो जमीन मालिक है उसको बिना पूछे वो जबरदस्ती लेके जाते हैं और सहाय के बारे में बोलते हैं, तो इसमें वो डराते हैं, धमकाते हैं कि ज़्यादा बोलेगा तो पुलिस केस होएंगे और जेल में बिठा देंगे, ऐसे बोलते हैं। कुछ ना कुछ मतलब सहाय देना चाहिए, बाद में लेके जाना चाहिए था। इसे जो आदिवासी गरीब लोग हैं इसमें किसी के पास तो खाली वो घर बनने को और जमीन खेती करके ही वो गुजरान इसका चलाता है। इसके बारे में बोलने को गया तो एक आदमी को वो अथवा लगा है रमेश पारदी करके, इसको तो एक दिन जेल में भी बिठाया था। तो आज मैडम तो मिलने आए तो क्या बोला मैडम ने? मैडम ने बोला है कि हम लोग पूरा जिसका जिसका जमीन के अंदर वो टावर बिठा है उनको इनका 7 बार लगाने को बोला है और सर्वे नंबर देके मैं बाद में इसका जो कितना इसका मतलब कितना जो पावर लेके जाते हैं इसमें खंभा बैठते हैं इसका मतलब कितना अमाउंट बनते हैं, इस हिसाब से मैं इसमें देखूंगा। बाद में आप लोगों को बोलता हूं और आश्वासन दिया है कि इसमें पूरा मतलब डिटेल जानने के बाद ही आपको मैं सहाय मतलब ये भी सहाय बनेगा वो सहाय आपको दिलवा दूंगा, ऐसा मैडम ने आश्वासन दिया है।